ओके हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिंप्लीफाइड स्टडीज़ में। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो CHCL का जो हमने टायर शुरू किया टायर वन के लिए, CHCL टायर वन की जो हमारी क्लासेस चलेंगी अब एप्टी की बेसिकली, उसमें आज का हमारा टॉपिक है पहला नंबर सिस्टम चल रहा है। मैं पहले बता दे रहा हूँ नंबर सिस्टम चल रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम। अब देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम में जो है आपका नंबर सिस्टम को हमने किस तरह से डिवाइड किया हुआ है, हम उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो नंबर सिस्टम होता क्या है। दुनिया में जितने भी टाइप के आपके नंबर्स हैं, ठीक है, जितने भी आप नंबर्स आप सोच सकते हो, 1/3, 2/3, 1/1/3, आपका -1, आयोटा, 1 प्लस आपका 2i, ये सारे आपके नंबर सिस्टम में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, यानी कि ये आपका क्या है, बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स। ठीक, हमने क्या किया, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। अब देखो रियल नंबर्स बेसिकली होते क्या हैं, रियल नंबर्स आपके वो सारे नंबर होते हैं जो कि नंबर लाइन पे आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, नंबर लाइन पे आप ड्रॉ कर सकते हो, वो सारे आपके रियल नंबर्स होते हैं। जबकि इमेजिनरी नंबर आपके वो होते हैं जो कि आपका हम ड्रॉ नहीं कर सकते नंबर लाइन पे, इसके लिए हमें प्लेन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कैन बी ड्रॉन ऑन प्लेन। आप इसको इस तरह समझ सकते हो कि इमेजिनरी नंबर आपका वो पर्टिकुलर नंबर है जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है बट हेल्पफुल होता है कई जगहों पे। ठीक है, जैसे कि आपकी फिजिक्स की कई सारी थियोरीज़ को प्रूव करने में आपका इमेजिनरी नंबर्स का यूज़ होता है। ठीक है, तो वो सारी जगह आपका अलग अलग नंबर्स होते हैं। अब देखो फर्दर हम रियल नंबर्स की बात करते हैं। रियल नंबर्स को आपको दो भाग में डिवाइड किया गया, फिर से रैशनल एंड इरेशनल। ठीक है, रैशनल नंबर वो सारे, अब यहाँ पे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स आपको पता होगा कि रैशनल नंबर वो सारे नंबर होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहाँ पे q नॉट इक्वल टू जीरो होता है। वहीं पे इरेशनल नंबर आपके वो नंबर होते हैं जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इसकी बात करें तो पाई, रूट थ्री, अंडर रूट टू, मतलब कि जितने भी नॉन परफेक्ट आपके स्क्वायर्स होते हैं वो सारे आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। ओके, ठीक है, फर्दर हम बात करते हैं आपका रैशनल नंबर को। हम फर्दर हमने डिवाइड किया आपके दो पार्ट में, फ्रैक्शनल पार्ट एंड इंटीग्रल पार्ट। फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स। ठीक है, फ्रैक्शंस और इंटीजर्स के हमने डिवाइड किया। अब देखो फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस आपके वो सारे नंबर जो कि आपके p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं इन रियलिटी, जहाँ पे q, अब यहाँ पे q ना ही आपका जीरो के इक्वल है और ना ही आपका वन के इक्वल है। ठीक है, ध्यान रखना फ्रैक्शंस आपके वो होते हैं जिसमें p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जिसमें q जीरो और वन को छोड़ के बाकी किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक, इंटीजर्स वो होता है आपका p बाई क्यू का ही फॉर्म होता है बट यहाँ पे कंपल्सरली क्या होता है कि q इक्वल टू वन होना ज़रूरी है। ठीक है, उसे हम इंटीजर्स कहते हैं। ओके, फर्दर आपके इंटीजर्स की क्लासिफिकेशन हुई और इसमें से आपके दो चीज़ें निकले, एक तो आपका आ गया नेगेटिव इंटीजर्स, दूसरे आ गए आपके पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को हमने क्या क्या, होल नंबर्स। ठीक है, हाँ, पॉजिटिव इंटीजर्स को हमने क्या कहा, होल नंबर्स। अब देखो यहाँ नेगेटिव इंटीजर्स की जो बात हुई है, मतलब देखो इंटीजर्स की अगर बात करो तो -3, -2, -1,
अलॉन्ग विद 0, 1, 2, 3, ये सारे आपके इंटीजर्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने नेगेटिव इंटीजर्स अलग ले लिया, यानी माइनस वन से लेके आपका जो भी माइनस इन्फिनिटी तक जो भी नंबर्स आपका रहेगा उनका पूरा कलेक्शन क्या कहलाएगा, नेगेटिव इंटीजर। वहीं पे पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, होल नंबर्स होते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स आपका 0 से लेके 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ऐसे करके आपका जो इन्फिनिटी तक जाता है उसे हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो, पॉजिटिव इंटीजर्स आपको होल नंबर कहलाता है क्योंकि 0, 1, 2, 3 आपके जो भी नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स ही होते हैं। होल नंबर्स को फर्दर आपको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक होता है ज़ीरो और एक होता है आपका नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स आपके जो क्या होते हैं, सिंपल ज़ीरो को छोड़ के आपके जितने भी आपके इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स यानी 1, 2, 3, ये आपके पूरे नेचुरल नंबर्स होते हैं। ज़ीरो आपका बहुत ही मिरेकुलस नंबर है, ओके। फिर आपका होल नंबर, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका क्लासिफिकेशन था। अब यहाँ पे जो है एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि किसको हम किस पर्टिकुलर चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे रियल नंबर है, रियल नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है कैपिटल आर से, ओके। इमेजिनरी नंबर आपका नहीं होता, इमेजिनरी नंबर के अंदर में आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है जो कि क्लास 11th के बच्चों को पढ़ा होगा, जो मैथ्स पढ़े होंगे, वो आपका कैपिटल सी से या फिर कैपिटल जेड से, नहीं हाँ शायद सी से ही जो है रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने बहुत पहले वो पढ़ा है और इसका ज़्यादा यूज़ होता भी नहीं है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका इमेजिनरी नंबर के अंदर आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद करते हैं रैशनल, रैशनल आपको कैपिटल क्यू से, इरैशनल कैपिटल आई से, ओके। देन कम्स फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का आपका कोई पर्टिकुलर सिंबल नहीं होता है। इंटीजर्स की बात करो तो इंटीजर जेड से आपका रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं पे आपका जब नेगेटिव इंटीजर की बात करो तो जेड माइनस से रिप्रेजेंट होता है, और पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करो तो जेड प्लस, कई सारे बुक्स में जो है ये आपका माइनस ऊपर रहता है, जेड माइनस और ये जेड प्लस, ठीक है। तो ये बेसिकली जेड आपका इंटीजर्स ही होता है, ओके। उसके बाद से होल नंबर्स, होल नंबर्स में आपके क्या आ जाएंगे, होल नंबर्स को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, 0, 0 रहता है, और नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर N से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये आपके रिप्रेजेंटेशन और बेसिकली आपका क्लासिफिकेशन है नंबर सिस्टम का। जो भी आपके जितने भी आपके एप्लीकेशंस होंगे या फिर आपके जितने भी वर्क्स होंगे, ठीक है, ऑपरेशंस होंगे, वो सारे आपके इन्हीं सारे नंबर्स पे होने हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर को छोड़ के, इरेशनल नंबर जहाँ तक मुझे याद है ये बहुत ही कम आता है, रेयरली कभी कभी आता है, शायद ही आया था, मुझे याद नहीं कि जो आया है कि नहीं, बट जहाँ तक है कि नहीं आया था, ठीक है। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन नंबर सिस्टम का, ओके। अगर किसी को नोट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो आप कमेंट में बता देना कि नोट्स की रिक्वायरमेंट है, मैं उसके हिसाब से आपको नोट्स, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। इतना ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं इस पे लैपटॉप पे जो है लिखूँगा उसे, तो बेसिकली हैंड रिटन ही होगा वो, उसकी पीडीएफ फाइल आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। तो ये था बेसिकली आपका क्लासिफिकेशन और पहला लेक्चर आपका था, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद इट्स प्रॉपर्टीज़, ओके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।